नगर परिषद द्वारा पूरे हमीरपुर शहर को कूड़ा मुक्त बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इस मुहिम के चलते नगर परिषद इस अभियान के तहत डोर टू डोर प्रति घर से रसीद के माध्यम से वसूल राशि की जा रही है। नगर परिषद ने शहर को पूर्ण रूप से डंपर मुक्त बनाने की अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है। इस अभियान के तहत नगर परिषद से शहर के विभिन्न स्थानों से करीबन 14 कूड़ेदान हटा दिए गए हैं। नगर परिषद अब शहर के हर वार्ड में दिन के 3 समय सफाई व्यवस्था की जाएगी। हर माह नगर परिषद सामान्य घर से 60 रुपए, सामान्य दुकान से 100 रुपए, ढाबों की गुणवत्ता के आधार पर शुल्क तय किया गया है। सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों के आधार पर शुल्क तय किया गया है। इसमें रेड़ी फेड़ी दुकानदारों तथा ढाबों तथा होटलों के पंजीकरण के आधार पर शुल्क नगर परिषद द्वारा तय किया गया है। शहर को स्वच्छता अभियान के तहत और सुंदर बनाए जाने को लेकर नगर परिषद की बैठक में करीबन 27 प्रस्ताव वार्ड पार्षदों की सहमति से पारित किए गए। इस कार्य में सभी 11 नगर परिषद वार्ड पार्षद भी इस कार्य को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। शहर में 3 समय सफाई व्यवस्था को लेकर 70 से अधिक सफाई कर्मचारी तथा ठेके पर रखे कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं शहरवासी भी नगर परिषद की इस मुहिम का स्वागत कर रहे हैं और नगर परिषद का पूरा सहयोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस अभियान के शुरू होने से हमीरपुर शहर में साफ सफाई बनी रहेगी, जिससे स्वच्छ भारत के सपने को पूरा किया जा सकता है। पैसे ले रहे हैं, ये कोई स्कीम जो चली है साफ सफाई अभियान, उसके अंतर्गत ले रहे हैं। हमारे आगे एक वो कूड़ादान बहुत बड़ा रखा हुआ होता था, वो उठ गया। उससे उठने से मार्केट में खुशी की लहर है और ये जो साफ सफाई अभियान चला हुआ है, इसका सब लोगों ने मतलब ये है कि सब लोगों का इसमें योगदान हो रहा है और सब इसको अच्छा समझ रहे हैं कि अब कूड़े के लिए गाड़ी आ रही है, उसमें आराम से कूड़ा फेंका जा रहा है, तो इससे एक शहर में अच्छा वातावरण हो गया है। उसमें हम कूड़ा फेंक देते हैं। अब वो पहले यहाँ पर वो टैंकर जैसा होता, उसकी बड़ी बदबू होती थी, उसके इर्द गिर्द कुत्ते खड़े रहते थे, तो अब उससे हमें निजात मिल गई है और अब गाड़ी में हम बड़े आराम से कूड़ा डाल रहे हैं और इससे खूब यहाँ पर मतलब यह है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। ये बहुत ही मतलब यह है कि एक सफल पॉइंट ये हमें लग रहा है। नगर परिषद का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे आगे जो लगा था वो डब्बा कूड़े उठाने का, वो उठाया गया और शहर में बहुत अच्छा सफाई हो रही है। बहुत खुश है सभी दुकानदार। नगर परिषद के बहुत आभारी हैं जिन्होंने ये कंटेनर यहाँ से उठाए हैं। एक तो शहर की जो यातायात है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, सड़कें खुल गई, रास्ते खुल गए हैं और जो शहर में गंदगी पड़ी रहती थी जैसे कुत्ते मुंह मारते थे आते, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया नगर परिषद ने अच्छा काम किया है। और जो ये डोर टू डोर कूड़ा उठा रहे हैं उसके ये शहर में गलियों में जो गंद पड़ा रहता था उससे भी निजात मिलेगी। वहीं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के इंचार्ज राजेंद्र शर्मा ने बताया कि नगर परिषद इस प्रथम चरण में शहर को डंपर मुक्त करने को लेकर वार्ड पार्षद इस सहयोग को लेकर नगर परिषद की इस मुहिम को सफल बनाने में कार्य कर रहे हैं। नगर परिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें सभी प्रस्तावों पर वार्ड पार्षदों की सहमति से निर्णय लिया गया है। प्रतिमाह शुल्क राशि जमा न करने वाले लोगों के खिलाफ नगर परिषद उचित कार्यवाही अमल में लाए जाने को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ऐसे लोगों को सूची बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित करेगी। द्वारा डोर टू डोर सिस्टम चलाया गया है जो कि घरों से कूड़ा और दुकानों से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाइलाज हमने पास किए गए हैं, उनके तहत हम दुकानों से, होटलों में, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलों से उसी रेट से पैसे दे रहे हैं और लोग भी बड़ी खुशी होकर दे रहे हैं और हमारा नगर परिषद का पूरा सहयोग दे रहे हैं। 50 से 60 हजार लोग रोज शहर में आते हैं और वो इन दुकानों में सामान खरीदते हैं और इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, 8 से 10 टन कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। और इसके लिए हमें 3 गाड़ियां चलाई हुई हैं, एक सुबह, दोपहर और शाम को दुकानों से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और डोर टू डोर सुबह 7 से 8 बजे तक सभी वार्डों में चलाया हुआ है। तो नगर परिषद रात दिन इस काम में लगी हुई है और लोगों का सहयोग भी अच्छा मिल रहा है, वार्ड पार्षदों का सहयोग अच्छा मिल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर का भी सहयोग अच्छा मिल रहा है। मेरे कहने से अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा ये काम स्वच्छ भारत मिशन ठीक तरह से चल सकेगा।